अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सरफराज अवान, SIP PS मंगोपीर। ये जो है एक वारदात हुई है नूरानी होटल पे, एल वाले दुकान, एल की दुकान है, उसको ये डाकू लूट रहे थे। इन्होंने एक परस 5,000 रुपया, एक शिनाख्ती कार्ड की कापी उस परस में थी और एक मोबाइल फ़ोन एल वाली दुकान वालों से लूटा। लूट के जैसे निकलने लगे तो पीछे से उन्होंने जो है वो शोर शराबा किया तो इस डाकू ने उन पे दो फायर किए, तो एक किया तो दूसरा जब फायर तो हो गया लेकिन कॉल फंस गया। तो जैसे ये रोड पे निकले तो ये घबराहट से स्लिप हुई, मोटरसाइकिल गिर गए। तो हम भी गश्त पे थे, हम भी पहुंच गए, अवाम ने भी इनको पकड़ा, अवाम ने इनको मारा और हम लोगों ने अवाम से छुड़वा के इनको मौके पे गिरफ्तार किया और लूटी हुई रकम 5,000 रुपया, बटुआ, शिनाख्ती कार्ड और एक अदद मोबाइल जो है वो बरामद किया। ये जो चार लड़के इनके साथ वाले, ये जो है ना रोड पे ही खड़े थे, दो मोटरसाइकिलों पे चार लड़के रोड पे खड़े थे, ये दो अंदर गए दुकान में, इन्होंने लूटा। जैसे ही इनको पकड़ा तो ये भाग गए। जब इनको गिरफ्तार किया तो इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने नाम बतलाए। उसके बाद आज जो है ये तीन लड़के मैंने गिरफ्तार कर लिए, ये भी डाकू, तीनों डाकू गिरफ्तार कर लिए। अब ये चैन इनकी पूरी हो गई है। एक मुलजम अभी हसन रहता है, जो जिसके पास पिस्टल भी है वो अभी तक मकरूर है, उसके पीछे हमारी कार्रवाई जारी है, छापे मारे जा रहे हैं, जैसे अरेस्ट होगा उसका भी बताएंगे। तो इससे पूछते हैं कि क्या नाम है आपका? अवेश। आपने क्या किया उस दिन? कौन सी दुकान थी, कौन सी जगह थी? कहाँ पे? नूरानी होटल पे आयल की दुकान थी। कौन कौन लूटने अंदर गए? अंदर कौन कौन गए दुकान? आपका क्या नाम है? अवेश। और तेरा? सलीम नाम है। तुम अंदर लूटने गए, फिर क्या हुआ जरा जोर से बताओ। आपने चैम्बर मारा उन पे और मोबाइल और बटुआ लिया। अच्छा, आप लूट के बाहर निकलने लगे तो आपने उन पे फायर किए। फिर फायर किए? हम लोग भी पहुंच गए, आपको हमने मारा, हम लोग पहुंच गए, आपको हमने अरेस्ट किया वहाँ, और आपके पास से एक मोबाइल फोन, बटुआ और उनके पैसे बरामद हुए। ठीक है, आपके साथ जो ये लोग हैं, क्या नाम है आपका? रहमान। ये उस मौके से फरार हो गए थे, रहमान जो है, रहमान। और तेरा क्या नाम है? तबाब। और तेरा क्या नाम है? साजिद। आप लोग कौन हो? मसूद हो। अच्छा, आप लोग जो है तीनों कितनी कितनी वारदातें की हैं जरा बताओ। कितनी? दो। इधर देख के बताओ कितनी कितनी वारदातें की हैं? कितनी डकैतियाँ? दो डकैतियाँ की हैं। और एक मुल्जम जो भाग गया है, क्या नाम है उसका? हसन। तो आपका पिस्टल किसके पास है? हसन के पास है। उसमें कितनी गोलियां थी और कितनी मैगजीनें थी? दो मैगजीन और 12 कारतूस उसमें वो गोलियां थी। वो बेटा, वो पिस्टल किसका था? तवाब का पिस्टल था। इसके चाचा जो है वो पहले बरदाते के अंदर था, वो गांव मकबूर हो गया, वो पिस्टल इसके हाथ आया, इसने और इन लोगों ने डकैती की उसी पिस्टल से। एक हसन नाम का लड़का है, तो इसने पिस्टल इसको दिया, इसने जो है अपने वो पट्टी में रखा, वहाँ से हसन लेके चला गया। हसन की तलाश जारी है, उनके भी रेट कर रहे हैं हम लोग, जैसे गिरफ्तार होगा फिर बताएंगे। ये पूरी चैन जो है मंगोपीर पुलिस ने अफसरान बाला के हुक्म से, गुलाम हुसैन कुराई SHO के हुक्म से, SSP हफीज़ बुक्की साहब के हुक्म से, DIG साहब इरफान बलोच साहब के हुक्म से, ये गिरफ्तार पूरी चैन गिरफ्तार कर ली है। इंशाल्लाह जो एक बकाया इनकी चैन का हसन, उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लूँगा। मेहरबानी।